वसई वर्सोवा टनल हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर खुद पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक नौकरी देने का किया वादा। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से सूर्य प्रकल्प योजना प्रोजेक्ट के काम के दौरान राकेश यादव नामक व्यक्ति भूस्खलन दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इस पूरे मामले को 16 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक राकेश यादव जीवित या मृत बाहर नहीं आ पाए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के तुल पकड़ने के बाद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना स्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि सभी प्रकार की मशीनें, तरकीबें और पूरी मेहनत लगाकर जल्द से जल्द राकेश यादव को बाहर निकाला जाएगा और उनके मृत पाए जाने पर मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा तब तक पीड़ित परिवार के रहने और खाने पीने का इंतजाम कलेक्टर द्वारा किया जाए, ऐसा भी आदेश दिया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि पिछले 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। एनडीआरएफ की टीम वापस चली गई थी और सभी मशीनें भी वापस भेज दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आने के ठीक पहले वापस से आज रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और एनडीआरएफ की टीम तथा सभी मशीनें मंगवाई गईं। फिलहाल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है और उचित मुआवजा देने की बात भी कही है। अब देखना यही होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है और कब तक भूस्खलन दुर्घटना का शिकार हुए राकेश यादव को एनडीआरएफ की टीम बाहर निकालने में सफलता हासिल करती है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।